साई प्रणाम। सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, विकास का मांगा ब्यौरा, दिए निर्देश। महानगर की पूर्व महापौर अंजू चौधरी को बनाया गया महिला आयोग का उपाध्यक्ष, मिला राज्य मंत्री का दर्जा। सिटी वन के साथ अंजू चौधरी ने साझा की खुशी। बारिश ने बढ़ाई शहरी की सांसत, हुआ सब कुछ पानी पानी, सड़कें नालों में तब्दील, घंटों लगा रहा जल जमाव। फीस और छात्र संघ के चुनाव कराने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया धरना, कहा मनमाने ढंग से वसूल रहे हैं फीस कई महाविद्यालय। हिंदू चेतना मंच को याद आए बिस्मिल, स्मारक को आम जनता के लिए खुलवाने के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में विकास भवन के मनरेगा सभागार में आयोजित किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी सहित सीडीओ अनुज सिंह एवं विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन महीने में एक बार किया जाता है, जिसमें अलग अलग विभागों में हुई अब तक की प्रगति पर चर्चा की जाती है। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों से अब तक हुए विकास कार्यों का जायजा लिया और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए। भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्त्री और पूर्व महापौर अंजू चौधरी को महिला आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया है, साथ ही उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। अंजू चौधरी भाजपा की तेज तर्रार कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती रही हैं और अपने महापौर के काल में उन्होंने गोरखपुर का काफी विकास किया है। इस संबंध में सिटी वन चैनल के संवाददाता से एक विशेष बातचीत के दौरान महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं महिला आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर सकूं अपने पूरे उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आपको विगत होगा कि एज अ मेयर भी मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी एक पहचान बनाई थी और आज फिर से मौका सम्मान मुझे मिला है कि मैं अपनी महिला, सिर्फ महिला ही नहीं, मेरी बेटियाँ, मेरी बहू हैं, उनको सामने जो चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, मैं उन्हें स्वीकार करूँगी और उनके लिए जो परेशानियाँ उनके सामने आती हैं
तरह तरह की बातें इस तरह की होती हैं जिसमें कि वो असहाय महसूस करती हैं। तो मेरा ये सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होगा कि मैं उन्हें सम्मानपूर्ण तरीके से उनके परेशानियों को दूर करूं, और जहां तक हो सकेगा मेरा ये कोशिश रहेगा कि एक ऐसा नंबर भी मैं दूं जो कि कैशलेस नंबर होगा, जिस नंबर पर टोल फ्री नंबर होगा, जिससे कि वो हमसे डायरेक्ट अप्रोच कर सके किसी भी समय, रात बिरात कभी भी समय। एज अ मेयर भी मैंने कभी अपना मोबाइल ऑफ नहीं किया, और आज भी मैं यही विश्वास करती हूँ कि किसी का कोई समय कभी भी ऐसा समय आ गया जब उन्हें कोई मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनके उत्थान के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए जहाँ तक जो कुछ हो सकेगा। महिला आयोग के माध्यम से एक पावर मुझे दिया गया है, तो उस पावर का फुल यूटिलाइजेशन करके उनके सम्मानपूर्ण तरीके से उनके लिए काम करूँगी। घटनाओं के लिए मैं सबसे पहले तो अपनी बहनों का जहाँ जहाँ होगा, चौराहों पर, स्कूलों में, हर जगह उनको सचेत करने के लिए कई तरीके बताऊंगी। साथ ही साथ टाइकोंडो ऐसे और इस तरीके के जो अलग अलग तरीके के अपने से बचाव करने की जो तरीके हैं उनसे उनको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि जब भी वो किसी अनजान जगह में या किसी ऐसे जगह पर पहुँचती हैं जहाँ कि उन्हें लगता है कि हाँ ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं, तो तुरंत टोल फ्री नंबर को डायल कर दें ताकि हम लोकेट कर सकें उनको और उनको तुरंत उनको सुरक्षित कर सकें। गोरखपुर में बारिश जहां एक ओर खेतों के लिए धान की फसलों पर सोना बरसा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के लिए सांसत का सबब बनी हुई है। जाम और जल जमाव तो मानो शहर का नसीब बन गया है। बारिश होते ही शहर के तमाम रिहायशी इलाकों में जल जमाव हो जाता है, जिससे शहरियों का जीवन नर्क बन जाता है, कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर भर सबका सब पानी पानी। आसमान से टपकने वाली आफत के साथ जगह जगह पर नगर निगम के खोदे गए गड्ढे भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और ऊपर से हो रही बारिश में जरा सा इंटरवल होता है तो शहर की सड़कें गाड़ियों से पट जाती हैं और लग जाता है भीषण जाम। नगर निगम इस जल जमाव से निपटने के लिए लाख कोशिश कर ले, मगर शहर के मुकद्दर में शायद डूबा रहना ही लिखा है। सिटी वन चैनल के संवाददाता से बात करते हुए कुछ राहगीरों ने अपनी परेशानियों को कुछ इस तरह से बयां किया। बारिश में जो यहाँ जमाव होता है, यहाँ नाला जो है भटने के कारण होता है, और यहाँ के ना पार्षद ना सांसद सभासद किसी ने भी यहाँ पे जो है कुछ किया नहीं। यहाँ पे गड्ढे हैं और गड्ढों में यहाँ रिक्शा वगैरह फंस जाते हैं। योगी जी एक बार आ रहे थे तो यहाँ पे जो है बस लकड़ी डाल के जो है इसको भर दिया गया, और उसकी वजह से जो है ये फिर पानी भरा। ये देख लीजिए, कैमरे से दिखा दीजिए, यहाँ पर ये फिर से जो है निकल आया है। इसमें यहाँ के सभासद की कमी है, जो यहाँ के सभासद है वो केवल यहाँ से वोट का मतलब रखते हैं और जो है कोई काम नहीं करते यहाँ पर। यहाँ हमेशा पानी जमा और हमेशा लगता रहता है, ना ही नाला साफ होता है ना ही नाली साफ होती है। सड़क तो बिल्कुल ही रद्द है, और यहाँ की सड़कें इतनी गड्ढे हैं कि ताकि अगर कोई गर्भवती महिला भी जाए गिर जाएगी तुरंत एक्सपायर हो जाएगी। और यहाँ पानी जल जमाव हमेशा होता है, कोई ध्यान नहीं देता है, ना ही नगर सभासद देते हैं ना नगर प्रमुख देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ मंडी के लोग अगर नहीं बोला जाएगा तो भाई हम लोग सब लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा ताकि स्वयं बाबा आएंगे यहाँ रोड बनवाने के लिए। यही हमारी गुजारिश है कि यहाँ की रोड और नाली दोनों साफ़ सुथरा कराया जाए। जी सर, ये रोड का सर कभी सफाई नहीं हो पा रहा है, जल जमाव हमेशा होता है। आज से सर नहीं, हम यहाँ कम से कम 15-16 साल हो गए हमको दुकान लगाते सर, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमेशा उसी तरह देखते हैं। थोड़ा सा भी पानी होता है तुरंत बर्फ
जल जमाव हो जाता है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन, मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। हे गाइस, इट्स एकेश, यू आर वाचिंग गोरखपुर सिटी वन नंबर वन चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी, सिटी वन चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा महाविद्यालयों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। इसके विरोध में छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से जबरन फीस के नाम पर वसूली की जा रही है, जिससे छात्र आक्रोशित हैं। साथ ही उनकी यह भी मांग है कि विश्वविद्यालय द्वारा जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया कराई जाए, जिससे छात्र संघ की बहाली हो सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए छात्र नेता ने कहा, विश्वविद्यालय और सभी महाविद्यालय मिलकर छात्रों का केवल धन शोषण कर रहे हैं, उसके संदर्भ में आज हम लोगों की कुलपति से वार्ता हुई है और साथ ही साथ छात्र संघ चुनाव को लेकर भी हम लोगों ने कुलपति जी से वार्ता किया है और हम लोग छात्र संघ चुनाव की मांग उठाए हैं। पर स्नातक और स्नातक सीटों में क्लासों में सीट वृद्धि के लिए भी हम लोगों ने और छात्रावास की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज समाजवादी छात्र सभा के सारे कार्यकर्ता और छात्र नेतागण आज माननीय आदरणीय कुलपति जी से मुलाकात की है। हिंदू चेतना मंच की ओर से शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के स्मारक जो कि मंडली कारागार में स्थित है, उसे खुलवाने के लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। चेतना मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह 3-4 सालों से राम प्रसाद बिस्मिल के स्मारकों को नहीं खोला जा रहा है और उनसे संबंधित चीजों को भी आम जनता को देखने नहीं दिया गया है। इससे आहत होकर हिंदू चेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में सिटी वन चैनल के संवाददाता से बात करते हुए हिंदू चेतना मंच के संयोजक रघुवंश ने कहा, 8 क्विंटल का लेकर के शहीदों के सम्मान के लिए पूरे भारत में चल रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा के अंतर्गत जब हम लोग पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को देखने गए तो वहां पर पता चला कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो फांसी घर था, उस घर जो पहले खुला हुआ था, अब उसको प्रशासन ने बंद कर रखा है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि शहीदों के सम्मान के लिए वैसे ही लोगों का थोड़ा कम ही रुझान रहता है और अगर इनको बंद कर दिया जाए तो स्वाभाविक बात है कि वहां आम आदमी तो जाएगा नहीं। और आज जाने की जो मेथड है उसमें एक सबसे दिक्कत यह है कि जो कैदियों से मिलने जैसे हम जाते हैं उसी तरह से जाते हैं, हाथ पर ठप्पा लगाना, जाने के लिए अनुमति मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो गोरखपुर में इनकी फांसी हुई, इतने महान शहीद थे, उनसे मिलने के लिए या उनका दर्शन करने के लिए, उनके फांसी के स्थली को दर्शन करने के लिए अगर हम लोगों को इतनी कठिनाई हो रही है तो आम जनता तो जाएगी नहीं। हम लोगों ने 2 दिन में देखा एक भी जनता नहीं जा रही। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो चहरदीवारी के अंदर उनको पैक कर दिया गया है उस चहरदीवारी को एक दरवाज़ा लगा के खोला जाए, क्योंकि वो पूरा सुरक्षित है, जेल से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जेल से लेना देना नहीं है फिर भी चहरदीवारी इसे बंद कर दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको खोला जाए जिससे आम जनता जो है कि उसको देख सके, दर्शन कर सके। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।